तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। क्या काम करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है ताकि हमारे वीडियो के लाइव नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम टॉपिक केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री में लेके चल रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, लेके चल रहे हैं आपका, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके चल रहे हैं, बेकिंग पाउडर लेके चल रहे हैं, साथ में आपका सब कुछ कंप्लीट करा के इस वीडियो में आपको अपन देने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको केमिस्ट्री कुछ कुछ मेन हाइलाइट्स पॉइंट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप एक काम कीजिए, हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ऐड हो जाइए ताकि आपको डेमो पीडीएफ भी यहाँ से मिल पाएंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इससे हमारी सब चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बता देता हूँ मैं कि अगर मात्र आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है हमारा, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं पेपर वन और पेपर सेकंड के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है। चालू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारे पास, धावन सोडा से अपन चालू कर रहे हैं, है ना। धावन सोडा को इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है, हर चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करके दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है, देखेंगे। धावन सोडा, है ना, इसके बारे में समझना कि धावन सोडा कपड़ों की धुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। धुनाई मतलब सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, है ना। मुख्य रूप से इस रसायन की वजह से धोबी के द्वारा धोया गया कपड़ा सफ़ेद दिखाई देता है। मतलब जो धोबी इस्तेमाल करता है, इससे जो कपड़ा है वो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, है ना। धावन सोडा एक रसायन सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है, मतलब ये उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना। याद रखिए, आपको ना धावन सोडा का सीधा फॉर्मूला पूछेगा, है ना, Na2CO3 10H2O। ये फॉर्मूला आपको किसी भी कीमत में याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं बनाने की भी, इसकी जो मेथड है देख लेते हैं। बनाने की विधि क्या है, धावन सोडा साल्वे प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। इस लाइन को आपको याद रखना है, है ना, साल्वे प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, है ना, निर्मित किया जाता है। हमने पहले ही आवश्यक कच्ची सामग्री और बेकिंग सोडा बनाने की विधि के बारे में सिखा रखा है, वो आपको टॉपिक में हमने सिखा रखा है, आप जाके देख लीजिए, है ना। सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को तेज ताप पर भट्टी पकाने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या क्या लगता है, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को तेज भट्टी पकाने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और फिर पानी से दोबारा क्रिस्टलीकृत करके उसे प्राप्त करते हैं। ये टोटल मेथड है उसको बनाने का। तो इस्तेमाल करने वाला चीज़ को याद रखना है कि किस किस चीज़ों का यूज़ होता है। मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ आपको कि आपको समझना क्या है, ठीक है। पहला चीज़ तो इसको बनाने की विधि को आपको याद रखना है, सॉल्वे विधि, ठीक है। उसके बाद याद रखिए इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट, ये याद रखना है। और भट्टी में पकाते ये याद रखना है, इससे ही ये बनता है, इस चीज़ को भूलना नहीं, यहीं से क्वेश्चन निकाल के देगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे उपयोग, क्या क्या उपयोग होता है वो भी जानना ज़रूरी है आपको। क्या क्या है, कास्टिक सोडा, कांच, साबुन पाउडर, बोरेक्स और कागज उद्योग में निर्माण में प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ पे होता है आप देख लीजिए, पूछता है इसके यूजेस। पानी की स्थायी कठोरता हटाने के लिए उपयोग किया जाता है 100% और घरेलू साफ सफाई के साधन के रूप में। याद रखिए आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया वही टॉपिक का हर टॉपिक क्लियर कर रहे हैं ना, आप सिलेबस चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। आगे आप देखेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में जान लो। बेकिंग सोडा भी एक अच्छा टॉपिक है, है ना। पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए जो लंबा समय लेती है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का डेफिनेशन है इसमें, इम्पॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। बेकिंग सोडा एक रसायन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला याद रखना, आपका फॉर्मूला ही पूछेगा, ठीक है। अगर आप नए बच्चे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उपयोग करते हैं। देखो बेकिंग सोडा, है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है, ये बनाने के लिए है, है ना। याद रखिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए, पकाने के लिए गर्म करके बेकिंग सोडा को से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है,
वापस थोड़ा समझा रहा हूँ ना, देखिए थोड़ा सा मिक्सचर हो जा रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना, पकाने के लिए गर्म करने पर बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये लाइन याद रखना। जब उसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या कार्बन डाइऑक्साइड आटा उठा देती है, है ना। आप समझेंगे ये सब लैंग्वेज है केमिस्ट्री का, यहाँ ये मत पूछना कि आटा क्या होता है ना। देखो मैं समझा रहा हूँ, मेन पॉइंट समझना इसमें, आटा वाटा को समझना, मेन पॉइंट कि बेकिंग सोडा गर्म होकर सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, यही लाइन याद रखेंगे आप और कुछ नहीं। देखिए याद रखिए, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है केमिस्ट्री में, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, है ना। इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग अकेले ना करकर बेकिंग पाउडर के साथ किया जाता है, इसमें मौजूद टार्ट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट को कड़वा स्वाद से बचाने के लिए उसका उदासीकरण कर देता है। बेकिंग पाउडर की बेकिंग पाउडर का प्रयोग से केक पेस्ट्री नर्म रेशेदार फूली हुई बनती है। कहाँ प्रयोग होता है, मेन है कैसे बनता है, प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रयोग कहाँ पे होता है, केक में होता है, पेस्ट्री में होता है, है ना, जो आप मफिंग्स खाते हैं उसमें होता है, और स्वाद में कड़वा। अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मुख्य पॉइंट को वापस ना, देखिए इतना ही याद करना, एक्स्ट्रा मत लिखना, ठीक है। पहला चीज ये लाइन को याद रखना, क्या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, ये लाइन याद रखना। पकाने के लिए गर्म करने पर बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसके अलावा कुछ याद मत करना। बेकिंग सोडा को गर्म होकर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है, उसके अलावा कुछ याद मत करना। याद रखना इसमें बेकिंग पाउडर का उपयोग केक पेस्ट्री को नर्म व रेशेदार बनाने में किया जाता है, ठीक है। याद रखिए आप पढ़ते वक्त सिर्फ मेन हाईलाइट पॉइंट को ध्यान देंगे, बाकी आपके नॉलेज के लिए इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे आप कहाँ उपयोग होता है, और देखिए इनका उपयोग होता है दवाइयों में एक मृदुल गैर संरक्षक क्षार होने के कारण, वापस समझा रहा हूँ, दवाइयों में एक मृदुल गैर संरक्षक क्षार होने के कारण बेकिंग सोडा दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। देखिए अब आपको मैं समझा रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं ना भाई, जो होशियार बच्चे हैं वो अलग बात है, जो नए बच्चे हैं साफ साफ याद रखिए कि दवाइयों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, बाकी इतना कठिन वर्ड को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये आएगा नहीं एग्जाम में। पेट में अत्यधिक अम्ल को बेअसर करने व राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये लाइन याद कर सकते हैं कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठोस खाद्य अम्ल, है ना, जैसे कि साइट्रिक टैट्रिक अम्लों के साथ मिलाकर इसको अपच के इलाज में उपयुक्त बुलबुले युक्त पेय में प्रयोग किया जाता है, और सोडा अम्ल आग बुझाने में भी काम आता है। देखिए अपचन जो होता है ना, इसमें खाना पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। मेन मुद्दा है कि दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। वापस हाईलाइट कर रहा हूँ नए बच्चों के लिए, होशियार के लिए नहीं, नए बच्चों के लिए, कि दवाइयों में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, खत्म बात। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ये याद रखिए, आप क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके पास, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये आपके सामने लग गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सब कुछ जानेंगे, क्या बोलते हैं, कुछ घरों एवं कमरों की दीवारों और छतों पर बनी हुई सुंदर डिजाइन को देखा होगा आपने, या पेरिस के प्लास्टर बने होते, इसे पीओपी भी कहा जाता है। पीओपी का ही फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जो फॉल सीलिंग कराते हो ना घर में, उसी को बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है वही होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके लिए सिर्फ जानकारी है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके यूजेस से क्वेश्चन आ सकता है, उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, खिलौने और मूर्तियों के निर्माण में, चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को अपने जगह पकड़ने के लिए,
प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, दांतों की चिकित्सा में प्रयोग होता है, दीवारों छतों की सतह को चिकना बनाने में प्रयोग होता है, छत दीवारों को सजावटी डिजाइन के लिए प्रयोग होता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का उपयोग होता है और अग्निशमन सामग्री के लिए उपयोग होता है। यही सिंपल मोटा मोटा याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घरों पर होता है, डेंटल पे होता है, आपके हड्डियों पे होता है और ब्लैक बोर्ड के चाक निर्माण में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। अगला आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर, याद रखिए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन निकाल के देता है। ब्लीचिंग पाउडर, देखिए नए बच्चे आराम से समझना ना कि विरंजन कपड़ों से रंग निकालकर उसे सफेद बनाने की प्रक्रिया है। ब्लीचिंग पाउडर लंबे समय से कपड़े से रंग निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन है। अब मोटा मोटी समझिए, हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट को ना समझने के लिए, कि देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक है, आपको क्या याद रखना है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ों से रंग निकालने में प्रयोग होता है और इसका फॉर्मूला CaOCl2 और इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको याद रखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे यूजर्स देखेंगे, उपयोग देखेंगे आप, उपयोग कहाँ पे होता है, कपड़े उद्योग व कपास लिनेन के विरंजन हेतु, कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी के विरंजन हेतु, ऊन को सिकुड़ने से बचाने हेतु, पानी को कीटाणु रहित करने से व कीटाणुनाशी रोगाणुनाशी की तरह उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग होता है, ये है मेन पॉइंट। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है और रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए सारे पॉइंट अच्छे हैं, याद आप कर लेना, MCQ चल रहा है दोपहर के 12-1 बजे, आप ज्वाइन करना केमिस्ट्री को भी, ठीक है। अगला आपके पास है मेरा कुछ डिटेल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या खराब लगती है, बुरी लगती है, जो भी लगती है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको वहां से अपडेट और डेमो PDF प्राप्त हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी आपको। लाइव क्लासेस चल रही है 10 से 1 के बीच, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू सभी को, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।